नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक तरफ राजस्थान विधानसभा पर भूतों के साए के चर्चा चल रहे हैं, ओझा तांत्रिक और बाबाओं का प्रबंध करने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर का मंजर वसुंधरा राजे के लिए ज्यादा डरावना साबित हो रहा है। उसका कारण है विधानसभा के बाहर जारी विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन। अब जबकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ऐसे में विधानसभा के बाहर जारी धरने, विरोध और प्रदर्शन क्या सरकार की नाकामी को साबित कर रहे हैं? बहरहाल, कांग्रेस और विरोधी दलों का तो यही कहना है कि ये सरकार की नाकामी है। इसी मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट में आज बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI ने विधानसभा के पास धरना दिया। धरने में जल रहा राजस्थान सो रही सरकार, नाकामी के चार साल, जागो राजस्थान जैसे नारे लगाए गए। SDPI ने अल्पसंख्यक, किसान और दलितों के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। के विभिन्न मुद्दों को लेकर SDPI की ओर से आज विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद SDPI के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का धरना दे रहे हैं और क्या मुद्दा है आपका। हम लोग आज प्रदेश जिस तरह से आग में झोंक दिया गया है, प्रदेश के अंदर किसानों की जो हालात हैं, जो बेरोजगारों के जो हालात हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, दलितों के जो हालात हैं, गरीब और मजदूरों के जो हालात हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या, आज तक हमने पूरे आज़ादी से लेकर अब तक इतिहास रहा है राजस्थान का कि इस तरीके से किसानों ने आत्महत्या नहीं की है, और आत्महत्या करने के बाद उनको जिस तरह से राजनीति का मोहरा बनाकर हम लोग उनके घर गए हैं, चाहे तुरी राम हो, चाहे बगदी लाल हो, चाहे संजय मीना हो, कि उन लोगों को वहाँ पर उनके भाइयों तक को, बेटों तक को भी उनको दाह संस्कार में नहीं आने दिया गया, कि वो ये कहकर कि आप ये सरकार के खिलाफ नहीं आना। और वहाँ के जो पड़ोसी हैं, हमारे पास पूरे एविडेंस है, जो पड़ोसी हैं जिन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर भाजपा के लोगों ने जाकर गुंडागर्दी मचाई है, उनको रोका गया है। साथ ही साथ जो अफराजुल की जो घटना हुई है, हमारे पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विदेश, पूरे विश्व भर के अंदर प्रदेश की वो छवि खराब की गई है कि हमारे राजस्थान को जला दिया गया है। ऐसी एक इंसानियत को जलाया गया कि एक मजदूर को, जो मजदूरी करने वाला था, उसको मजदूर को मजदूरी की जगह उसका मुसलमान रूप दिखाया गया। अल्पसंख्यकों के नाम पर जिस तरीके से अत्याचार दिखाया गया है, हमारे प्रदेश के लिए बहुत घिनौना दिन था वो। और उस घिनौने दिन के साथ साथ उसको इतनी छूट दी गई है सरकार ने कि वहाँ पर वो आज जेल में रहते हुए भी शंभू जो है एक वीडियो वायरल करता है और साफ तौर पर एक पर्टिकुलर एक समाज के खिलाफ जिस तरीके से भड़काऊ भाषण देकर पूरे प्रदेश को, पूरे देश को आग में झोंकना चाहता है, उससे साफ पता चलता है कि ये सरकार जो अहम मुद्दे हैं, जो किसानों के, बेरोजगारों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के, उन मुद्दों से भटकाकर, यहाँ के जो गंगा जमनी तहजीब है उससे भटकाकर, और जो यहाँ के मूल उद्देश्य हैं, या जो एक जनप्रतिनिधि या जो CM होता है वो रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र करता है देश, प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर हमने एक चार्जशीट पूरे चार साल की इनकी जो नाकामियाँ हैं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो ये सरकार फेल हुई है, उसके लिए हमने एक चार्जशीट तैयार की है, इन पे चार्ज लगाएं कि किस किस में ये लोग फेल हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हम लोग संविधान को मानते हैं, उस संविधान को आज खतरा है, उस संविधान के खतरे को रोकने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना, और पूरे एक महीना हम लोगों ने पूरे राजस्थान भर के अंदर शहर शहर, गाँव गाँव, ढाणी ढाणी जाकर एक पूरा प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। हमने जो जिस तरह से जागो राजस्थान का प्रदेशव्यापी अभियान है, जिस तरह से राजस्थान जल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को अवेयर करने के लिए ऑडियो, हमने गाने, सॉन्ग्स भी तैयार किए और जन सम्मेलन किए और रैलियां की, कारवां लेकर गए गांव गांव तक, हम लोग कारवां को लेकर गए विधानसभा पर आज जो धरना दिया है, और इसी के लिए आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक कैंपिंग चलाकर आज राजस्थान के अंदर हम लोग इस विधानसभा के सामने ये धरना देकर इस सरकार को चेताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमने पूरे एक महीने के अंदर जन आक्रोश को समझा है
कि जन आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है और वो हमारे साथ है। इस जन समर्थन को हम हासिल करके साथ में लेकर आने वाले पूरे एक साल के अंदर जो बचा है उसमें इसकी पूरी जिस तरीके से चार साल की नाकामियां रही हैं जन जन तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के साथ साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, उसी के लिए हम लोग पूरा प्रदेश में काम कर रही है। प्रदेश के अफराजुल मामला हो या फिर पहलू हत्याकांड हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर के एसडीएपीएफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और आगे इनका विरोध जारी रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। वहीं राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने स्थायी रोजगार पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में चयन करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। विद्यार्थी मित्र शिक्षकों का कहना है कि पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया में चयन से वंचित विद्यार्थी मित्रों के लिए 6,000 पद बढ़ाकर रोजगार दिया जाए, साथ ही न्यायालय में अटकी विद्यालय सहायक भर्ती का जल्द से जल्द समाधान करवाकर विद्यार्थी मित्र शिक्षक को स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इस दौरान विद्यार्थी मित्र शिक्षक अशोक सियाग समेत सैकड़ों विद्यार्थी मित्र मौजूद रहे। राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ की ओर से ग्राम पंचायत सहायक की विभिन्न 6,000 भर्तियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। यहाँ 22 गोदाम के पास में आपको हम इस तरफ तस्वीरें कुछ दिखाएंगे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी मित्र मौजूद हैं। इनकी लगातार पिछले काफ़ी समय से मांग है, लेकिन अभी भी तक इनकी न तो सरकार ने सुनी है, न कोई सरकार के तंत्र आकर के इनसे बात कर रहा है। किसी भी प्रकार की मांगें मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, न इनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। लगातार काफ़ी समय से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं सुनी है इनकी। आपको हम बता देंगे कि पंचायत सहायक की भर्तियां ये 6,000 पद से बढ़ाकर रोजगार उपलब्ध कराए जाने, सर्वोच्च न्यायालय से अटकी हुई भर्तियों समेत विभिन्न मांगे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक सियाग जी, मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ भर्तियाँ हैं, भर्तियों को लेकर के आपकी मांग की है? 24,163 विद्यार्थी मित्र पिछले 10-12 साल से नियमित रोजगार को लेकर के संघर्षरत हैं। विद्यार्थी मित्रों के संघर्ष को देखते हुए सरकार के द्वारा विद्यालय सहायक भर्ती निकाली गई, जो कि नियमों की खामियों के कारण सुप्रीम कोर्ट में अटक करके रह गई। उसके बाद से सरकार के द्वारा उसकी सही तरीके से पैरवी नहीं की गई। जब विद्यार्थी मित्रों ने लगातार आंदोलन किया तो विद्यार्थी मित्रों के आंदोलन को दबाने के लिए 30 अप्रैल 2014 को सभी 24,163 विद्यार्थी मित्रों को बेरोजगार कर बैठा दिया गया, मगर विद्यार्थी मित्रों ने अपने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। उसी संघर्ष को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से पंचायत सहायक के 27,000 पदों के लिए भर्ती निकाली। उस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भी इतने खामियां थी कि हमारे 6,000 विद्यार्थी मित्र भाई फिर रोजगार से वंचित हो गए और आज हम फिर एक बार सभी 24,163 विद्यार्थी मित्रों के विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक और 6,000 जो हमारे वंचित भाई उनके रोजगार की मांग को लेकर के विधानसभा का घेराव करके सरकार का ध्यान आकर्षण करने जा रहे हैं। सरकारी नुमाइंदों ने किसी से बात की आप? पिछले 3 दिन से लगातार माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, यूनुस खान साहब और सरकार के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, वार्ता के लिए बार बार बुलाए गए। सुबह से हमारे अध्यक्ष साहब के पास भी फोन आ गए। जब हमारे लोग सुबह मंत्रियों का घेराव करने के लिए उनके घर पर पहुंचे तब भी उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द कमेटी बना रहे हैं और जिस तरीके से सरपंचों को वार्ता के लिए लिखित में निमंत्रण दिया गया उसी तरीके से आपको लिखित में वार्ता का निमंत्रण देकर के हम टेबल टॉक आपसे करेंगे। परंतु हमने इस सरकार के सामने सीधी से एक बात रखी है कि हम 24,163 की बात करते हैं, हमारा केवल और केवल एक ही मांग है किसी भी तरीके से 24,163 विद्यार्थी मित्रों का स्थायी समाधान, स्थायी रोजगार। यानी इनका कहना है कि सरकार से, सरकारी तंत्र से बात हुई है, सरकारी नुमाइंदे से बात हुई है, मंत्री से बात है, उनका यही कहना है कि कमेटी बनाई जाएगी, यानी ये कमेटी बनाने वाली सरकार बन गई है। हमारे साथ और भी मौजूद है कुछ महिलाएं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं और जो आप लगातार पिछले काफी समय से मांग रहे हैं? यही है, 2008 से जब हम लगे थे तो 5 साल हमने अपनी सेवाएं दिए, तन मन और धन से हमने विद्यालय में बच्चों को शिक्षा का काम किया है। उसके बाद हमें बिल्कुल रोजगार मुक्त करके सरकार ने बिठा दिया। 3 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद निकल के पंचायत सहायक जो भर्ती आई है इसमें भी फर्स्ट राउंड में ही हम 24,163 विद्यार्थी मित्र लगने थे, लेकिन सरकार ने वहीं भी हमें धोखा किया और एमए बीएड और इतना अनुभव होने के बावजूद हम वंचित रहे। फिर हमने बहुत प्रयास किया और कुछ कारणों की वजह से जो निरस्त भी करवाई हमने पंचायतें, लेकिन निरस्त पंचायतें भी अभी तक सरकार उनको भी ओपन नहीं कर पा रही है। इसलिए आज कहने सुनने के लिए तो अब और कुछ नहीं है, जो इतना बड़ा जनसमूह दिख रहा है पंचायत सहायकों का, बस एक ही मांग है कि हमारी
बस 24,163 विद्यार्थी मित्र लगना है तो लगाना ही पड़ेगा सरकार को उसके लिए। और स्थाई जो हमें जो रोजगार दिया है ये भी स्थाई होना चाहिए, ये भी अभी अस्थाई है। यानी इनकी लगातार ये मांग है कि स्थाई इनका रोजगार दिया जाए। कमेटी लगातार सरकार कमेटी बनाने की बात करती है, गुमराह कर रही है सरकार इन्हें। इन्हें साफ तौर पर या तो मना कर देना चाहिए कि हम नहीं लगाएंगे, या फिर उन्हें मांगे मानने के लिए कतई उनसे स्पष्ट बात करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। वहीं राजस्थान पशु चिकित्सक कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के ज्योति नगर टी पॉइंट पर प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सकों का कहना है कि पशु सहायक का वेतनमान, हार्ड ड्यूटी भत्ता, डिप्लोमा वेटनरी काउंसिल की स्थापना जैसी अन्य मांगों का जल्द समाधान किया जाए। सभी पशु चिकित्सकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, नहीं तो सभी गतिविधियों को ठप कर दिया जाएगा। हमारे जो 11 सूत्री मांगे हैं सैद्धांतिक रूप से वाजिब है, जिनकी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है, लेकिन सरकार ने क्रियान्वित नहीं किया, इसलिए पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में आक्रोश है। और हमने निर्णय लिया है कि यदि सरकार ने 5 तारीख तक हमारी मांगों पर फैसला नहीं किया तो आगे 15 तारीख से हम राजस्थान की समस्त पशु चिकित्सा सेवाएं ठप कर देंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारा वेतनमान मेल नर्स के बराबर किया जाए, हमारे ट्रेनिंग का टेनोर बढ़ाया जाए, हमारे पदनाम परिवर्तन किए जाए और हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी स्थापित की जाए, वेटनरी काउंसिल स्थापित की जाए। मैडम हमारे जो संस्थाएं हैं करीब 6,500 संस्थाएं संचालित हैं, उसमें से 75% संस्थाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, जो अधीनस्थ कैडर का है हम लोग संचालित कर रहे हैं। हम लोगों ने यदि काम बंद कर दिया तो निश्चित रूप से राजस्थान का मुख पशु भी परेशान होगा। एनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। दो मुख्य मांगों को लेकर आयुष चिकित्सकों का कहना है कि सरकार 7वें वेतनमान के मुताबिक सभी संविदा आयुष चिकित्सकों को 39,300 रुपए का वेतन दे, साथ ही एनएचएम में रिक्त पदों की जल्द भर्ती करे। वहीं आयुष पद्धति में शामिल होम्योपैथी को लेकर राजस्थान में राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे हर साल 700 से ज्यादा आयुष चिकित्सकों को नौकरी मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसी प्रकार 2017 में जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दे चुके हैं ये मानदेय बढ़ा चुके हैं, जबकि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं आयुष के वो अभी तक इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं और बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ वो अपने रिमोट एरियाज के अंदर अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, जबकि सेवारत चिकित्सकों के इस दरमियान में सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल का सामना भी राज्य सरकार झेल चुकी है और उसमें हमारे आयुष चिकित्सकों ने निष्ठा के साथ काम किया है और पूरी व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखा है, जिसमें टीकाकरण और डिलीवरीज वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट जो काम थे वो आयुष चिकित्सकों ने निपटाए। ठीक है, फैकल्टी से हैं, हमारी एक मांग और भी है कि राजस्थान में सब पैथिक आयुष केंद्र में जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद और सिद्धि आते हैं, इनमें आयुर्वेद कॉलेज है गवर्नमेंट, यूनानी कॉलेज गवर्नमेंट है, सिर्फ एक होम्योपैथी ऐसी एक पैथी है जिसका कोई गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में नहीं है। तो हमारी एक मांग है करीब 700 से 800 होम्योपैथिक डॉक्टर्स निकलते हैं हर साल जो बेचारे रोजगार के लिए। तो जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है विधानसभा के बाहर, तो क्या ये सरकार की नाकामी को दिखा रहा है? चलिए इसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संगीता गर्ग जी जुड़ गई हैं, सचिव हैं प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की राजस्थान की। संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते अभिषेक जी। संगीता जी, जिस तरीके से विधानसभा सत्र तो चल ही रहा है और अभी अगर आज की बात कर लें, कई ऐसे संगठन SDPI की ओर से, राजस्थान विद्यार्थी मित्र की ओर से, पशु चिकित्सक की ओर से, आयुष डॉक्टरों की तरफ से, कई ऐसे संगठन हैं, एक लंबी फहरिस्त है इसकी, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है कि क्या ये सरकार के 4 साल की नाकामी ही है जो आज विधानसभा के सामने देखने को मिल रही है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए
चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, अपनी अपनी बात पहुंचाने के लिए वो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये एक माध्यम है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं कैसे, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि पिछले 4 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, वो पूर्णतः फ्लॉप रहा है, फेलियर रही है सरकार। क्योंकि किसी भी संगठन को आप उठाकर देख लिए तो वो खुश नहीं है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। इसीलिए आज स्थिति ये बनी हुई है कि विधानसभा के बाहर भारी तादाद में संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं हर एक संगठन के प्रति उदासीन नजर आती है। जब 4 साल का आप ये देखिए कि जब 4 साल में विद्यार्थी मित्र अपनी बात बार बार पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए, जबकि जुमले बोले गए, झूठे वादे किए गए, चाहे वो किसी भी वर्ग से किए गए, वो झूठे वादे वो जुमले आज हर एक वर्ग पर भारी पड़ गए। और अपनी बात को पहुंचाने के लिए बार बार सरकार को चेतावनी देते रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। आज विधानसभा के बाहर हम स्थिति देखे तो भारी तादाद में हर संगठन, हर एक व्यक्ति अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, कान बंद करके बैठी है। तो लोकतंत्र की खूबी यही है और खूबसूरती है, व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने का, कुचलने का प्रयास आज हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए एक खतरा भी है। और लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर हो सकती है। देखिए, मैं पार्टी की पदाधिकारी हूँ, लेकिन मुझे यही कुंठा है कि चाहे विद्यार्थी मित्रों के बारे में आपने मुझे बताया, आयुष डॉक्टर है उनके बारे में आपने बताया, अन्य संगठनों के बारे में बताया, तो वो संगठन कब से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों की बात करें तो 24,000 विद्यार्थी मित्र हैं जहां तक मेरी जानकारी में, उसमें से 14 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी है, कान बंद करके बैठी, उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। और आज विद्यार्थी मित्रों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये सरकार की नाकामी है और सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन किसानों के मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से किसानों की आवाज को दबाने का और कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये लोकतंत्र पर एक खतरा है, और लोकतंत्र में यही तो बात है कि लोग अपनी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ये लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसी साल राजस्थान के चुनाव होने हैं और उपचुनाव में भी कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है, अगर राजनीतिक पहलू इसका देखा जाए तो ये तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। देखिए, निश्चित रूप से जो जनता का विश्वास है वो कांग्रेस की तरफ है, और उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अभी जो वर्तमान में चुनाव हुए, चाहे पहले के चार उपचुनाव ले लें आप, सब में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और जनता उस भूल को सुधारना चाहती है जो 2013 में जनता ने की थी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, हर एक वर्ग को साथ लेकर चलती है, हर एक व्यक्ति की पीड़ा को समझती है, और उसी पीड़ा को। चलिए, तो ये कितना फायदेमंद साबित होगा, और बीजेपी आखिर इन चुनौतियों से कैसे उबरती है ये देखना अहम होगा। लक्ष्मीकांत पारिक जी से इसके बारे में जानेंगे। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, और गजेंद्र सिंह राठौर जी हैं कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद अभिषेक। लक्ष्मीकांत जी, पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, सर आखिर क्या वजह है कि एक नहीं कम से कम दर्जनों संगठन जो हैं वो विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन करना अपने का अपना अधिकार है, अपने अधिकारों की मांग करना जनता काम रहा है, और जितने संगठनों ने आते हैं संगठन अपनी बात को रखते हैं, और लगातार लंबे समय से, मैं तो कई वर्षों से और आप सब लोग कई वर्षों देख रहे होंगे, जब विधानसभा आउट होती है तो विधानसभा के आसपास चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, ऐसे संगठन जिनकी कुछ मांगे होती है वो अपने मांगों को लेकर के विधानसभा पर आते हैं। एक विषय हमारे यहाँ पैदा होता है कि किन की मांगे वाजिब है और कौन लोग राजनीति से प्रेरित होकर वहां पर आए हैं। कुल लोगों को राजनीतिक दलों सीधे संघर्ष के बजाय उनके अंदर अपनी भावनाएं पैदा करके और आंदोलन के राह पर उनको भेज दिया है, जो अपनी इच्छा से नहीं वह कुछ आंदोलन की इच्छा के कारण प्रेरित होकर के वहां पर आए, ये प्रश्न अलग है। तो वहां जो संगठन पहुंची हुई है वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? मैंने सबके लिए अभिषेक सत्य नहीं तो कुछ तो होंगी जिनको लेकर के ये कैटेगराइज करना तो अब सरकार का काम है। देखिए, जितने भी संगठन जाते हैं सबके प्रतिनिधि बुलाया जाता है, सबसे वार्ता की जाती है, सब समस्या को समझा जाता है, सबको समझने का प्रयास किया जाता है। सरकार अपने स्तर पर वाजिब मांगों मानती है और अपना काम करने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है।
गजेंद्र सिंह जी, जी गजेंद्र सिंह जी, राजनीति से प्रेरित होकर के ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और किराए बहुत कम है। जी अभिषेक जी, अभी तक जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उनके निर्णय कुछ नहीं निकला, और जिसका जिसको भूख लगती है वो लोग प्रदर्शन करते हैं, जिनका पेट नहीं भरता, जो अपने काम करते हुए उनको पूरा मेहनताना नहीं मिलता वो लोग यहाँ आते हैं। ये लोग चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद में देने के नाम से कुछ नहीं। हमने इन लोगों से कहा कि आपने जो घोषणा पत्र लागू किया उसको लागू करें, जो भी चुनाव से पहले घोषणाएं करते हैं उनको लागू करें। आज विद्यार्थी मित्र जिनको कार्य मुक्त कर दिया गया पिछले 3 साल से, अभी जिनको लगाया उनको 6,000 रुपए में लगाया, उनको 1 साल के लिए लगाया, वो अपनी पीड़ा लेके आए, उनमें से 3-4 हजार विद्यार्थी मित्र बाकी रह गए, उनको नहीं लगाया। और होमगार्ड के आज बैठे हैं जो पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, 4 साल बीत गए उसके बाद भी 5वां बजट है उसमें 1 रुपया बढ़ाया नहीं। इनकी जो मुख्य मांग है वो 12 महीने का रोजगार और 55 साल से 60 साल की सेवा करना और इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इनको स्थायी करना, ये मांगे हैं। और इनकी हमारी वार्ता भी हुई थी राजस्थान की सरकार से, गृह मंत्री जी से वार्ता हुई थी, डीजी स्तर पर वार्ता हुई और प्रमुख शासन सचिव से हुई थी और लिखित में आश्वस्त भी किया था, उसके बावजूद भी आज तक कुछ नहीं निर्णय दिया। तो इससे लेके इनको जो पूरी तरीके से मानदेय नहीं मिलता ना, इनको एक ही कहा जाता है कि आप तो सर्विस में नहीं हो, आप तो अपनी इच्छा से इसमें आए हो, जबकि विज्ञप्ति निकाली जाती है होमगार्ड में भर्ती के नाम से और इनको बोला जाता है कि आप स्वयं सेवक हो, आपको मांगने का कोई राइट नहीं है, आप अपनी स्वयं की इच्छा से इस सर्विस में आए हो, जबकि थाना हो या स्वयं अपनी इच्छा से कैसे आए हैं, जब भर्तियां निकाली गई हैं तभी तो वहां पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ झलकन सिंह जी जुड़े हैं जो कि होमगार्ड हैं। झलकन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी झलकन जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिसको लेकर के विधानसभा का घेराव करने के लिए आप लोगों को पहुंचना पड़ता है? बेसिकली ये हमारी पेट की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई में हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। पिछली बार भी सरकार ने हमें लिखित में दिया था कि आपको रोजगार दिया जाएगा, पिछली बार सरकार ने हमसे कहा था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसमें कोर्ट का भी सपोर्ट है। सरकार ने हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया, पिछले 6 दिन से भूखे प्यासे हजारों की तादाद में होमगार्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। कोई वार्ता के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है, किसी ने संपर्क किया हो? नहीं, सरकार के और आंदोलनकारियों के बीच में प्रशासन एक कड़ी होती है, जो कड़ी वार्ता करवाने का, संवाद करवाने का कार्य करती है, लेकिन यानी हालात वहां बिगड़ते रहे और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे। संगीता जी, जिस तरीके से आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत जी को कि उनका ये कहना है कि मांगे जो जायज होती हैं सरकार उनको सुनती है, कैटेगराइज करना सरकार का काम है, कैसे कैटेगराइज होगा? देखिए, जो लक्ष्मीकांत जी हैं उनको ये पता है कि हमारी सरकार का जो कार्यकाल 4 साल का रहा वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, क्योंकि जो झूठे वादे झूठे जुमले इन्होंने किया उसी के तहत आज की सरकार बनने 611 हमारी मांगे थी। लक्ष्मीकांत जी उनको सुन लें, उनको सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनको सुन लें। देखिए, मैं होमगार्ड से जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, विद्यार्थी मित्रों से जो वादे किए गए वो पूरे क्यों नहीं हुए, तो आज वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। ये असंवेदनशीलता की लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी काम हमने किया, आप लोग कुछ नहीं किया। सुन ले सर 50 सालों के इतिहास में कभी आपने कर्जे माफ किए हैं किसानों के? सुनिए, बताएंगे? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे कभी किए तो बता दे, 50,000 किसानों के लोगों किसानों कर्ज माफ किए होंगे? सरकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आता हूँ, सर सुन ले, सर संगीता जी को सुन तो ले,
सुनते अरे अभिषेक ये हमें तो बयान नहीं सुनने नहीं जनता उसका उसका, उसका उसका फिर आप जवाब सर माध्यम से महिलाओं सशक्त करने का भाषण तो पार्टी सरकार ने किया है लक्ष्मी कांत जी फिर उसका 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 फिर जवाब भी दे देंगे सर उसका फिर जवाब आप कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या संगीता जी एक मिनट एक लक्ष्मीकांत जी एक सवाल सर बहुत कम शब्दों में उसका जवाब भी आपसे चाहेंगे क्योंकि वक्त का अभाव है मेरे पास जिस तरीके से यह पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार के लिए चुनौतियां हैं चुनौती है इन सभी को सुनना और जो जायज है पूरा करें जायज नहीं है आप उन्हें समझाएं ताकि 2018 आपके लिए सही से बीते 2018 का विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसा नहीं लग रहा सरकार को देखिए निश्चित रूप चुनाव नजदीक है और हर व्यक्ति की सुनवाई करना सरकार का दायित्व है सरकार अपने रिवेन को पूरा कर रही है सरकार अपने संसाधनों माध्यम से हर व्यक्ति की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है जो होमगार्ड की बात हो निश्चित रूप होमगार्ड की मांग माननीय गृहमंत्री सुन रहे हैं और उसमें हमारी निश्चित रूप सरकार बड़ा अच्छा कदम उठाने वाली है विद्यार्थी मित्रों का भविष्य भी है विद्यार्थी मुझे भर्ती अभी की है कुछ लोग बाकी है उनकी भर्ती भी आवश्यक रूप से की जाएगी लेकिन जहां तक विषय इन सब हम किसानों की मांगों को लेकर के लोग आते हैं या किसानों के जब किसानों कर्जे माफ की बात होती है तो आपको विषय याद दिला दूं नेता प्रतिपक्ष रामनारायण डूडी एक मकोल यात्रा बनाते हैं किसान यात्रा को और अपने अपने गार से झूठे बनवाने का कुकृत्य करते हैं ऐसे व्यक्ति तय करेंगे कि राजस्थान में किसानों कर्ज माफ हो वे लोग जो संपूर्ण कर्ज माफी की बात करते हैं उन्होंने कभी 2 रुपए का कर्जा किसानों माफ नहीं किया यदि किसानों को लगा कि आपने किसानों के बारे में सोचा आपने कर्ज माफ किया ये अच्छी बात है और अगर इससे किसानों को फायदा होता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है लेकिन सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि आयुष डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आपको होमगार्ड जवान प्रदर्शन कर रहे हैं कई ऐसे संगठन हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर लंबे वक्त से कम सरकार उनको भी सुने ताकि उनका भी भला हो देखना होगा कि कब सरकार उस ओर ध्यान देती है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए तो विधानसभा के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है राज्य सरकार के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो जरूर है कार्यक्रम में इतना ही देखते रहें न्यूज़ इंडिया नमस्कार